रसोनो यार दुखी हो यार है मैं दोस्त। मेरी स्कॉर्पियो रख ले यार तू, ओडी रख ले, मेरे नए वाले रिबोक और नाइक के जूते भी रख ले यार तू, पर सलमान भाई का गाना बंद करा दे यार। इतना तो कोरोना ने नुकसान ना करा जितना सलमान भाई ने हमारे धंधे का नुकसान करा दिया। भैंसा इतनी डर गई है ना कि अब दूध ना देवे। और बची खुची कसर भाई जितनी भी कसर रह रही थी वो ये बेताल ने नए वाले सोने पूरी कर दी भाई। अब मेरी भैंसा इतनी डर गई है ना तो दूध तो छोड़ सारा दिन बस गोबर पाते हैं भाई, क्या करूं। हेलो जेफ जी, सर आपके कहने पे मैंने पाताल लोक का पेड रिव्यू कर दिया है और किसी को पता भी नहीं चला। अब डील के मुताबिक 100 करोड़ से भरा हुआ बैग और जू के बंगले की 2 चाबियां पुरानी पहाड़ी के पुराने मंदिर के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 6:27 पर रखवा देना। और हाँ, अपने आदमी को बोलना कि मास्क पहन के आए और हैंड सैनिटाइज करके आए, नहीं तो बहन के लड़के को वापस भेज दूंगा मैं। ओवर एंड आउट। हाँ, डील हो भी गई और किसी को पता भी नहीं चला। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और कुछ हार्वर्ड के प्रोफेसर्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स और ग्रेजुएट्स को मेरा पाताल लोक का रिव्यू लगा पेट। तो मुझे लगा कि यार अब जब इनको असलियत पता लगी गई है तो मैं अब बता ही देता हूँ। मेरे को आजकल ऐसा लगने लगा है जब से प्राइम ने मुझे 100 करोड़ का भरा हुआ बस्ता भेजा है, मुझे लगने लगा है कि मैं पाब्लो एस्कोबार बन गया हूँ। जैसे पाब्लो एस्कोबार ड्रग्स की तस्करी करता था, मैं तस्करी करने लगा हूँ रिव्यूज की। भाई ऐसे लोगों को जिनको लग रहा है मेरा पाताल लोक का रिव्यू पेड था, उनके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम पर अपने इलाज सजेस्ट किया था। बहुत ही बढ़िया इलाज है, मुगली गिट्टी तो पियो ही पियो तुम लोग, साथ ही साथ सीधा हाथ लो, उसे अपने पजामे में डालो पीछे की तरफ, गान में से अपना दिमाग लगा लो और यहां लगा लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। ये सारा कुछ देखने के बाद अभी भी कोई खजूर का चुदा आएगा कमेंट सेक्शन में और बोलेगा मुझे तो पहले ही पता था इसने पैसे लिए, आई नो ही वॉज पेड, आई नो वी नो। जहां जाता हूं मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता। अब मुझे नेटफ्लिक्स ने बेताल को रिव्यू करने के लिए पैसे तो दिए नहीं, 900 करोड़ रुपीज, नो गुड रिव्यू। देखो मैं पहले ही इतना अपसेट था कि इतने सालों के बाद भाई की ईद पे कोई पिक्चर नहीं आई। सैनिटाइजर आया, एक लोड़ा लहसुन सा गाना भी आया, लेकिन पिक्चर तो नहीं आई ना। एंड आई वॉज सो अपसेट, एंड मैंने सोचा कि मैं अपना मूड कैसे बदलूं। और फिर मैं गया और मैंने देखा नेटफ्लिक्स, वहां जाके मैंने देखा बेताल। अब बेताल देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब तुम घर से नहा के निकलते हो, एकदम जॉन्टी रोड्स बन के तुम निकलते हो और जैसे निकलते हो 3-4 कबूतर इकट्ठे तुम्हारे सर के ऊपर हग दें तो तुम्हारी क्या फीलिंग होगी। अब बेताल वही कबूतर की टट्टी है। बेताल देखने के बाद मेरे को एक चीज तो बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि नेटफ्लिक्स में जो डिसीजन मेकिंग टीम है ना, ये जो पूरा गिरोह है, चुंगल है, जो डी कंपनी है, ये चंबल के गंडमरे जो डाकू हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं जिनको डिसाइड करना है कि क्या बनाना है, ये लोग कर रहे हैं कुछ बड़े ही अलग नशे। और बाय द लुक्स ऑफ इट जो ये नशे कर रहे हैं वो लगता है 10 रुपये से ज़्यादा का आता नहीं। मुझे तो ये लगता है कि ये वो भोला खा के रोज सोते हैं और सुबह वहन चो भोला खा के ऑफिस में आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और स्क्रिप्ट रेडी कर देते हैं। अनुशासन नहीं है। तो यार ऑनेस्टली जब मैंने बेताल का पहली बार ट्रेलर देखा था 1-1.5 हफ्ते पहले, तो मेरे को ये लगा कि यार ये अच्छी सीरीज होगी, इसमें बेताल 25 में से कोई शायद 25 स्टोरीज में से कुछ होगा, कुछ इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड होगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जब मैंने ये देखा, देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ नहीं, इन चरसी गंजेड़ियों ने बनाया है एक गोला बम जिसमें भरा हुआ है ढेर सारा गोबर और जब वो फटता है तो छपाक से तुम्हारे मुंह पर छींटे पड़ते हैं आगे। तो भाई मैं बताऊंगा तुम्हारे को इस वेब सीरीज की चूतिया स्टोरी के बारे में, हम डिस्कस करेंगे ऐसे लूप होल जो छोटा भीम भी पकड़ ले, और इतने अनस्केरी नॉन स्केरी हॉरर सीन्स की उससे ज्यादा हॉरर आरजे सुधी के मूवी रिव्यूज हो। बेताल की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक ब्रिटिश कैवलरी के अराउंड जो 1857 में एक मुठभेड़ के दौरान एक टनल के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। सुरंग में फंसने के बाद कैवलरी का कैप्टन लाइन डॉक हो जाता है बावला। अब इस बुढ़े को चढ़ जाता है शौक भूत बुलाने का और ये बन जाता है पिशाच बुलाऊ बाबा और अंदर ये समन कर देता है बेताल की ताकतों को, जिसकी वजह से इसके सारे के सारे सैनिक और ये खुद ये बन जाते हैं जॉम्बी या भूत। ये किसी को भी नहीं पता, ये नेटफ्लिक्स वालों को भी नहीं पता क्योंकि उनको जॉम्बी और भूत के बीच का बेंचो डिफरेंस ही नहीं पता। फिर इंट्रोडक्शन होती है पारुलकर की। पारुलकर वही बंदा है जो सेक्रेट गेम्स में था, तभी मैं उसको पारुलकर बोल रहा हूं, तो कमेंट मत करना चूतिया उसका नाम पारुलकर नहीं है। पारुलकर को जैसे तैसे करके इस टनल को खोलने का मिल जाता है सौदा। But least did my friend Parulkar know कि अंदर बैठे हैं मिस्टर लाइन डॉग बाबा। अपने जॉम्बी बॉयज के साथ जैज चल रहा है उनका अंदर और जैसे ही तुम उनकी पार्टी क्रैश करोगे टनल खुलेगा, वो वेट कर रहे हैं कि हम बाहर आए और गांड तोड़ के लोगों की पपीता कर दे। तो पारुलकर भाई साहब बीड़ा दे देते हैं उस टनल को खोलने का द बाज स्क्वाड को। और बस यहीं पर इस मार्गरीटा पिज्जा पे डल जाता है नींबू का अचार।
हजार दफा मना करने के बाद भी बास स्क्वाड वाले अपनी मोटी बुद्धि अप्लाई करते हैं और खोल देते हैं टनल को, और फिर शुरू होते हैं और फिर निकलते हैं बेताल बाबा के बीच वॉयस बार और शुरू होता है लाटो माटीना। तो फिर रेमो डिसूजा और आमिर सिद्दीकी जैसे दिखने वाले ये जॉम्बीज फैल जाते हैं आसपास के सारे कस्बों में और ढूंढने लगते हैं एक लड़की जिसकी चढ़ानी होती है बलि। टू विच मैंने सोचा मैं लाइन डॉग को एक व्हाट्सएप करूं कि मिस्टर लाइन डॉग व्हाई डोंट यू कंसीडर जैकलिन, जैकलिन की चढ़ाइए बलि। मैं बताता हूं, लोकेशन भेजता हूं पनवेल के फार्म हाउस पे। अरे यार स्टोरी इतनी ज्यादा बुरी है ना यार, अब तुम बाकी बहन जो अपने आप ही देख लेना, अगर मैं और ज्यादा बोलूंगा तो मेरी नाभि चढ़ जाएगी यार। पांच आसन में बताता हूं। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि शाहरुख खान की प्रोडक्शन है ये, रेड चिलीज की प्रोडक्शन है, और उस भाई की बुद्धि फिर गई थी क्या? मेरे हिसाब से शाहरुख खान की दो बार बुद्धि फिरी है, एक बार उसने शिरीष कुंदर को थपेड़ दिया भरी पार्टी में, विच वॉज अ गुड थिंग, एंड दूसरी टाइम उसने ये चूतियापा प्रोड्यूस करने के लिए अग्री कर दिया। भाई लॉकडाउन ये दिन भी दिखाएगा। अभी मैं दूसरे एपिसोड के 15 मिनट पे पहुंचा ही था कि मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी, पेट में गुड़गुड़, माथे से पसीना टपकने लगा, एंड बिफोर आई न्यू मेरे को टट्टियां लग चुकी थी, और तभी मैंने रियलाइज किया टट्टी करने के बाद कि अब वक्त आ गया है लेटर लिखने का। नॉट सो डियर नेटफ्लिक्स इंडिया, I'm writing this to you with extreme eyeborn and partial brain damage. तुमने तो बेंचो गांडी मार रखी है अपनी ऑडियंस की। First serial killer, now bait hog. अब मन करता है कि नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा तो अपने सर पे कोरोना से भरी बोतल फोड़ लूँ। I hope if there's a real zombie apocalypse ever, you guys are the first one to die. Give us better shows or die, bitch, die. Of course. Not yours truly, Indian audiences. तो अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की लूप होल्स की। वैसे तो ये पूरी सीरीज एक बहुत बड़ा लूप होल है, लूप होल भी छोटा है, ये ब्लैक होल है बेंचोद। भाई पहली चीज, पहला लूप होल तो इतना स्टार्क है मुझे समझ ही नहीं आया, जब लाइंड ऑफ अपने पूरे के पूरे स्क्वाड के साथ, अपने बीच बॉयज के साथ अंदर फंस गया था गुफा के, तो भैया वो अपने बेटे को वहां पे कैसे लाया उसके लिए बलि चढ़ाने के लिए? जब वो बेंचोद अंदर बेताल बना, उसने बेताल को अंदर समन किया है, तो वो अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए क्या गुफा खोद के बाहर आया? जब गुफा खोदी गई थी तो वो जॉम्बी क्यों बन गए फिर? और यार फिर एक ऐसा वाहियात सीन आता है जिसको देख के मेरे दिमाग के सारे अमीबा टर्मिनेट हो गए। भाई इनमें से एक सोल्जर होता है हक जो जॉम्बी बन जाता है, उसको ये धड़ दबोच लेते हैं, उसको बांध लेते हैं, और फिर वो जॉम्बी जो बंदा पूरा 13.5 मिनट पहले एक जॉम्बी बना है, वो इनको बताता है लाइन ऑफ चौदम पट्टी करके बेंचो ये जॉम्बी बना कैसे। मैंने कहा वाह, अभी वो 13 मिनट पहले बना है और उसको सब कुछ पता है वो कैसे बना। अबे लोड़े के ज़ॉम्बी ब्रेन डेड होते हैं, वो बातें नहीं चोतते, दे कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड एनीथिंग। मतलब हम तो चूती है, नेटफ्लिक्स वालों को लगता है कि बहन जो चिंपांजी बैठे हैं उस तरफ। ज़ॉम्बी से छुपते छुपाते ये पूरा का पूरा स्क्वाड पहुंच जाता है एक बैरक में जो होता है 200 साल पुराना। अब भाई साहब ये वहां जाते हैं और वहां जाके इनको मिल जाता है जनरेटर, जो ये फटाक से खोलते हैं और सारी में बत्ती जल जाती है। मैंने कहा बहनचोद साथ वाले कस्बे में जिसमें ये बरैक है उसमें 2020 में भी बत्ती नहीं है, लेकिन वहां पे 150 साल पुरानी जगह में बत्ती है। इतने गांड फटी के ये बड़वे। और यार मुझे एक बात बताओ, ज़ॉम्बियों के पास गोलियां कहां से आई? बंदूकें चला रहे हैं बहनचोद ज़ॉम्बी। अबे क्या है ये, मतलब कहां से लाए वो एमिनेशन? गोली पे गोली चला रहे हैं और वो गोली लग गई किसी को तो वो भी ज़ॉम्बी बन जा रहा है। बहनचोद शैतान की गोली बना दिया उसको। अरे यार तुमने तो बहनचोद तातिया बिच्छू को भी पीछे छोड़ दिया यार। और भाई एक सीन में तो पारुलकर की लड़की को दो ज़ॉम्बी एक छोटे से कमरे में घेर लेते हैं और तुम सोचो वो कैसे डिफेंड करती होगी, तकिए मार मार के तकिए मारे जा रहे हैं बहनचोद, सर पीट लूंगा दीवार में अपना जाके। और फिर जब तुम्हें लगेगा कि बहनचोद अब शायद थोड़ा तुम्हें ब्रीदर मिलेगा, थोड़ा सा कुछ लॉजिकल देखने को मिलेगा, तब इंट्रोडक्शन होती है इस फिल्म की एंजेलिना जोली की। टॉम्ब रेडर आ जाती हैं, गांव के कस्बे की टॉम्ब रेडर आ जाती हैं गांड भाड़ने बीच बॉयज ज़ॉम्बीज की। एक सीन में एक सोल्जर इन एंजेलिना जोली को अपनी सेमी ऑटोमेटिक राइफल पकड़ा देता है, सेमी ऑटोमेटिक राइफल एक कस्बे वाली को, और फिर वो निकलती है जीटीए खेलने, धड़ 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 सेमी ऑटोमेटिक राइफल चलाने के लिए ट्रेनिंग मिलती है सोल्जर्स को। बंद करो मेरे को नहीं देखना। ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए ये उनको ढक रहे हैं कंबलों से, उन्हीं ज़ॉम्बीज ने जिन्होंने आंतड़ियां निकाल दी लोगों की मार मार के, वो कंबल थोड़ी फाड़ पाएंगे, नहीं नहीं वो कंबल कहां फाड़ पाएंगे। और भाई एक सीन में तो इनका हेड पिंप, सारे ज़ॉम्बी बॉयज का हेड पिंप उड़ता हुआ आता है, ज़ॉम्बी उड़ता हुआ आ रहा है। अबे बहनचोद सब कुछ बनाने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हें भूत बनाना है, पिशाच बनाना है, चुड़ैल बनानी है या ज़ॉम्बी बनाना है। ज़ॉम्बी उड़ते नहीं है। इन्होंने किया क्या, इन्होंने लिया भूत का कॉन्सेप्ट, इन्होंने लिया ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट और बना लिया अपने आप का चूतिया।
तो भाई अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो किसी ने या तो ओवर एक्टिंग करी है, किसी ने अंडर एक्टिंग। सबसे अच्छी एक्टिंग करी है तो उन लाइटों ने जो बराक्स में लगी हुई थी और 200 साल के बाद भी जल उठी। और डफर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जाता है इस सीरीज के मेल लीड को, जिनका नाम है जो कैरेक्टर प्ले करते हैं सिरोही का। इस भाई साहब को पता है इसकी कमांडिंग ऑफिसर पहले दिन से ही पोजेस हो गई थी, लेकिन ये हर 3.5 मिनट के बाद जाके उसकी आंखों में झांकता है और लास्ट तक झांकता रहता है जब तक भूतशाला इसी को नहीं पकड़ लेता। कुछ लोगों की तो गांठ फट गई है कमेंट्स के हिसाब से ये देखकर, ओह माय गॉड सबसे डरावना है सेकंड कमिंग ऑफ तुम्बाड़। पहली बात तो भाई तुम्बाड़ से इसको कंपेयर मत करो, मैंने तुम्बाड़ भी रिव्यू करी थी और वो बहुत अच्छी पिक्चर है। इट इज वन ऑफ द फ्यू वेरी गुड हॉरर मूवीज एवर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और भाई ये जिसमें ज़ॉम्बी दिखाए हैं, भैनचोद पालिका बाजार के ज़ॉम्बी इससे ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरे को याद आ गया कि माइकल जैक्सन का थ्रिलर गाना आया था 20-25 साल पहले, उसमें जो ज़ॉम्बी थे ना वो भी इससे अच्छे थे जो 20-25 साल पहले आए। और इस सीरीज में एक चीज बहुत है और वो है आंगतड़ियां। इनको लगता है भाई हॉरर का मतलब है चार आंगतड़ियां फैला के लगा दो, किसी का कटा हुआ पेट दिखा दो, वाह माय गॉड व्हाट ए हॉरर, मतलब खून दिखा दो, गर्दन काटते हुए दिखा दो, वाह बहनचोद बन गई हॉरर फ्लिक। और इतना कोरोना फैलाने के बाद भी ये लोग रुके नहीं, इन लोगों में इतनी ऑडेसिटी थी कि चार एपिसोड बनाए और चौथे एपिसोड को इन्होंने एंडिंग में ओपन एंडेड छोड़ दिया कि हम शायद सीजन 2 ला सकते हैं। मत लाना भाई, मत लाना। सो इन अ नटशेल देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन बेताल। इट्स बैड, इट्स नॉट गोरी, इट्स नॉट हॉरर, इट्स नॉट स्केरी, देयर आर नो क्लिफहैंगर। इनकी भाषा में बोल, लंड समझ नहीं आ रहा किसी को कुछ। मतलब अगर तुम इसको स्विच ऑन करके जाके बर्तन वर्तन मानना चाहते हो, ब्रश ब्रुश करना है, टट्टी टुट्टी करना चाहते हो, जाके कराओ, एंड वेन यू कम बैक एक रुपए की चीज भी मिस नहीं हुई होगी। तो भाई ये था मेरा बेताल का रिव्यू। अब तुम खाली तो बैठे ही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो जाओ और जाके सोनपरी देख लो। और हाँ, अंडी बंडी शंडी जो सब्सक्राइब ना करें।